हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 13 जून को हम बैंक निफ्टी में कहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे हमने देखा फ्राइडे को यूएस मार्केट में एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम दिखाई दी, तो उस बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देने वाले हैं मंडे को। तो उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें कैसे प्लान करना चाहिए? क्या हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे? क्या हम फ्रेश सेलिंग करेंगे? क्या हमें वहाँ से एक फ्रेश गिरावट दिख सकती है? इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ वीक से वी आर क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड। हमने ये हाई लगाया था, उसके बाद हमने लोअर हाईज बनाते हुए वी आर हेडिंग डाउन। तो अब यहाँ पर मैं फिबोनाची लेवल्स आइडेंटिफाई करके आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ इस वीकली चार्ट को। तो देखो, इस रैली के बाद जब हमने ये डाउनसाइड मूव शुरू की और इस मूव को हम अगर फिबोनाची लेवल से आइडेंटिफाई करें, ये था लो, ये था हाई। तो देखो, इस मूवमेंट का जो रिवर्सल आया वो अराउंड अपने 0.618 लेवल्स के आसपास से ही बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट लेवल मिला वो ये लो था, और यहां से हमने बैंक निफ्टी ने ये हाई लगाया। तो इस उसके बाद जो डाउनवर्ड मोमेंटम आई, तो हमने हमारा 0.61 लेवल को ब्रीच किया ये जोन के बाद। तो आप देखोगे जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये जोन को ब्रीच किया, हमें एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम मिला बैंक निफ्टी से। तो ये वीकली कैंडल है, तो आप देख सकते हो उस वीक में वी हैव सीन अ शार्प डाउनफॉल। उसके नेक्स्ट जोन में अगर आप देखोगे तो हमने ये लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, एंड जो हाई लगाया वो ये था। और जैसे ही हमने यहाँ पर 0.61 लेवल को ब्रीच किया, तो उसकी बाद की जो वीकली कैंडल बनी वो भी एक शार्प डाउनसाइड कैंडल बनी, तो बेरिश कैंडल बनी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ही बैंक निफ्टी अपने 0.61 लेवल को ब्रीच करता है, वी सी अ शार्प मूवमेंट ऑन द डाउनसाइड। तो विद दिस लॉजिक, इफ आई सिंपली यू नो, अगर मैं यहाँ पर इस मूवमेंट की जो ये जो मूवमेंट हुई है लास्ट में, उसका लो और हाई को ज्वाइन करता हूं, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है वी हैवंट ब्रीच 0.618 लेवल येट। तो जब भी हम इस लेवल को ब्रीच करेंगे, तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प डाउनसाइड मूव फ्रॉम द बैंक निफ्टी ऑन अ वीकली बेसिस। तो ये तो फर्स्ट एनालिसिस हो गया। अब मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूं, तो ये आता है अराउंड 34,191। तो हमारी जो क्लोजिंग मिली है फ्राइडे को वो अराउंड 34,485, तो इट इज हार्डली 300 पॉइंट्स अवे। तो बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड है कि इस जोन के नीचे ही ओपन हो। 300 पॉइंट तो आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू ओपन एटलीस्ट मोर देन 300-400 पॉइंट्स डाउनसाइड। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि हम 0.61 लेवल को के नीचे खुल रहे हैं। अब देखेंगे कि हम कहां पर ट्रेड ले सकते हैं, तो उसके लिए चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट चार्ट पे। तो देखिए, यहां पर मैं अपना लॉजिक शेयर कर रहा हूं कि मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूं। अगर हम इस लेवल के जोन के नीचे ओपन होते हैं, तो मेरा प्लान सिंपल है, जहां पर भी हम फर्स्ट कैंडल बनाएंगे, लेट्स से बैंक निफ्टी ओपन्स हियर एंड और यहां से एक शार्प सेल ऑफ आता है बैंक निफ्टी में, और फर्स्ट कैंडल ही इतनी बेरिश बनती है, तो मेरा प्लान ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास खुलता है, तो मान लेते हैं कि 34,100 पे के आसपास खुलता है, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग 34,100 एट द मनी कॉल। सो आई एम नाउ इनिशिएटिंग माई शॉर्ट ट्रेड।
लेकिन मैं कॉल को शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एट द मनी कॉल है तो मेरे को प्रीमियम अच्छा खासा मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर बैंक निफ्टी रिवर्सल दिखाता है लोअर लेवल से तो भी मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि आई कैन पुट अ 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड विदाउट लूजिंग टू मच मनी। अगर मैं यहाँ पर पुट बाय करता हूँ तो आई वॉन्ट बैंक निफ्टी टू गो डाउन। अगर बैंक निफ्टी रिवर्सल दिखाता है तो पुट्स भी उतने शार्पली रिवर्स होंगे और मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आई हैव टू रिएक्ट वेरी क्विकली एंड बुक आउट ऑफ दैट ट्रेड, कम आउट ऑफ दैट ट्रेड वेरी क्विकली, क्योंकि मेरे जो लॉसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं अगर मैं पुट लेता हूँ और बैंक निफ्टी रिवर्सल दिखाता है। अगर मैं पुट लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी अपनी डाउन साइड जर्नी कंटिन्यू करे, जिसका कन्फर्मेशन हमें ओपनिंग कैंडल पर नहीं मिलने वाला। तो विद दैट लॉजिक मैं यहाँ पर कॉल साइड शॉर्ट सेल करना प्रिफर करूँगा। और जैसे ही हमें फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो उसके बाद मैं सिंपल एक जोन मार्क करूँगा, 15 मिनट्स का हाई एंड 15 मिनट्स का लो। और जब इस जोन को बैंक निफ्टी ब्रीच करेगा डाउन साइड पे तो आई विल बी माई दिस ट्रेड विल ऑलरेडी बी इन गुड प्रॉफिट। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पर अभी विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है और इस डाउन साइड मूवमेंट को फॉलो करना है। तो जैसे ही हम कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन के इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा के जब इसके नीचे निकलेगा तो ये मेरा बन जाएगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ये नया स्विंग लो। तो मेरा ये कॉल ऑलरेडी से अच्छा खासा प्रॉफिट में आया होगा। आई कैन देन चूज टू एंटर अ फ्रेश शॉर्ट पोजिशन हियर इन पीई। तो ये मेरा मोमेंटम ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो कैंडल है उसमें वी कैन सी अ वोलेटिलिटी। तो उस वोलेटिलिटी को प्ले आउट करने के लिए आई विल बी एंटरिंग माय शॉर्ट पोजीशन इन द कॉल्स बाय सेलिंग अ सीई कॉल। एंड उसके बाद जब प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तो आई विल बी लुकिंग टू टेक अ एंट्री इन अ पुट पोजीशन बाय बाइंग अ पुट। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है एंड यू नो फ्रेश लोज बनाता है, आई कैन स्टिल होल्ड ऑन टू माई दिस पुट पोजिशन एंड सी मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। प्लस ये जो मेरा पोजिशन है वो मेरा सेफ होते जाएगा जितना बैंक निफ्टी नीचे जाते जाएगा। और सिंपली आई विल बी, वंस आई एंटर द पुट पोजिशन हियर, आई विल सिंपली लुक टू ट्रेल इट एंड फॉलो इट एज यू नो, जैसे बैंक निफ्टी लोअर स्विंग्स बनाता है तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाऊंगा। जहां पर भी वो रिवर्सल मिलेगा आई विल बुक आउट ऑफ माई पुट पोजिशन। तो इससे क्या होगा, एक तो हमें हायर प्राइस पे कॉल शॉर्ट करने मिला एट द मनी, और बैंक निफ्टी फ्रेश ब्रेकडाउन देता है तो हमें एक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए पुट साइड की पोजीशन भी मिली। तो उसके बाद बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता है, वी कैन सिंपली होल्ड ऑन टू आवर पुट्स विच विल गिव अस मैक्सिमम प्रॉफिट एंड वी कैन होल्ड ऑन टू आवर कॉल्स जो हमें टाइम डिके भी देगा, बिकॉज थर्सडे को उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी उस लेवल के ऊपर नहीं आता है इन द नेक्स्ट 4 डेज। तो दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग माई ट्रेड्स फॉर मंडे। अगर इन केस बैंक निफ्टी इस तरह से बिहेव नहीं करता और अपने इस जोन को ब्रीच नहीं करता या प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी रिवर्सल दिखाता है तो सिंपल मैं अपनी एंट्रीज पुट पे नहीं लूँगा। ये जो कॉल की एंट्रीज ली है वहाँ पर मैं 60-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देके आई विल बी कमिंग आउट ऑफ माय पोजीशन। बट एट दिस स्टेज आई विल नॉट बी लुकिंग टू बाय बैंक निफ्टी ऑन अ इमीडिएट बेसिस, बिकॉज वी आर क्लियरली ऑन अ डाउन ट्रेंड। लास्ट फ्यू डेज से हमें सेल ऑफ मिल रहा है, वी आर नॉट एबल टू मेक हायर हाइज। तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक मोमेंटम दिखाए थोड़ा अपसाइड पे एंड देन देर कैन बी अ शार्प फॉल ऑन द डाउन साइड एज वेल। तो इस जोन से बचने के लिए दिस इज माई प्लान। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो पे।